डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ऑलरेडी हमने इसके जो प्रीवियस जो सीक्वेंसेस थे इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था। और अभी का जो टॉपिक हमारा वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। दिस इज़ द थर्ड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये तीसरा टूल है। तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तीन टूल्स हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दूसरा आपका कॉम्पिटेंट क्लोनिंग वेक्टर, जिससे दूसरा कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है, और तीसरा कॉम्पिटेंट होस्ट है। ये तीसरा टूल है, इसका नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले इसमें टर्म पे आप जाइए कि क्या होता है कॉम्पिटेंट और क्या होता है होस्ट। तो देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब सुटेबल, एक ऐसा होस्ट जो सुटेबल हो, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बड़ी आसानी से ले, बड़े आराम से एक्सेप्ट कर ले उसको। तो बड़े आराम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगा, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसी कैटेगरी का हो जिस तरह का हमारा क्या है, हमारा सुटेबल होस्ट है। अगर दोनों का नेचर मिलेगा तभी जाके वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों आखिर कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, क्यों सुटेबल बनाने की जरूरत पड़ती है, इसका पहले जवाब सुनिए। तो एक्चुअली हमारा होस्ट एक्चुअली कॉम्पिटेंट होता नहीं है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। क्या कारण है इसका, उसका कारण वो जानिए। ये है कि उसका कारण ये है कि हम एक्चुअली होस्ट के अंदर में या बैक्टीरिया के अंदर में क्या डालने वाले हैं, हम अपने होस्ट के अंदर में डालने वाले हैं डीएनए, और होस्ट के अंदर में हम डालने वाले हैं डीएनए। और डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक आयनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक आयनिक मॉलिक्यूल है डीएनए, या एसिडिक मॉलिक्यूल कह लीजिए। तो डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, और एसिडिक मॉलिक्यूल है, और साथ ही साथ ये कैसा होगा, इसका नेचर हाइड्रोफिलिक नेचर होगा। डीएनए का नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर होगा, या फिर डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है और इसका नेचर हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो हमारा होस्ट है, ये होस्ट हमारा कौन है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है, उसके मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा आपको, उसके मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा, और फॉस्फोलिपिड जो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक है, तो कैसे दोनों का संगम हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात, दोनों का संगम कराने के लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोफिलिक बनाना पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोफिलिक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ केटायंस। आप केटायन डालेंगे, इसको भी आयनिक बनाएंगे, ये आयनिक बन जाएगा, ये आयनिक ऑलरेडी है ही, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। कैसे कराएंगे मिलन, वो देखिए आप। अब इसके लिए हमें कुछ तरीका बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये होस्ट को हाइड्रोफोबिक है, इसको हाइड्रोफिलिक बना, कैसे बनाएंगे, तो केमिकल मेथड के जरिए बनाएंगे। और क्या है केमिकल मेथड, बोर्ड पर देखिए, देखिए केमिकल मेथड कैसे है। ये हमारा बैक्टीरिया है, ये क्या है, हमारा होस्ट है। होस्ट का जो मेम्ब्रेन बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड जो का बना हुआ है मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, इसके मेम्ब्रेन के इस होस्ट को हम ट्रीट करेंगे केमिकल से, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। वैसे और दूसरे क्या कहते हैं, दूसरा केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डायरेक्ट जो केटायनिक जो केमिकल बने, कैसा केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं जो केटायन प्रोड्यूस करता हो, और फिर वो केटायन क्या करेगा, होस्ट के मेम्ब्रेन के साथ में जाकर चिपक जाएगा, कैल्शियम टू प्लस आयंस आएगा और होस्ट के मेम्ब्रेन के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। अब देखिए एक बात और, ये जैसे कैल्शियम टू प्लस आके यहाँ इसके साथ में बाइंड कर गया, ये क्या करेगा, इस होस्ट के मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देगा, ये पोर्स क्रिएट कर देगा, ये क्या करेगा, पोर्स क्रिएट कर देगा। अब ये हमारा इसका मेम्ब्रेन जो हाइड्रोफोबिक था, अब ये क्या बन गया, हाइड्रोफिलिक बन गया। और ऑलरेडी हमारा डीएनए क्या है, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसको आर डीएनए कह रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब ये भी हाइड्रोफिलिक बन गया, अब दोनों को क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे। कहां पे, आइस, दोनों को एक साथ मिला के इनक्यूबेट करेंगे आइस के ऊपर में, और फिर उसका गर्म कर देंगे। जैसे तुम गर्म करोगे, और कितना टेम्परेचर, 42 डिग्री, लगभग 42 डिग्री के आसपास में, या 42 डिग्री टेम्परेचर देते हैं। These are incubated on the at temperature 42 degree Celsius. और जैसे ही 42 degree temperature पे या 42 degree Celsius temperature पे इसको incubate करेंगे, ये बना हुआ है phospholipid का, lipid का मॉलिक्यूल है, फॉर्म वो फैलेगा, और obviously बात, ये जो पोर्स हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद पोर्स बड़े हो गए। जैसे पोर्स बड़े हुए, हमारा फॉरन डीएनए उसके अंदर में क्या किया, इंसर्ट कर गया, मतलब हमारे होस्ट के अंदर फॉरन डीएनए चला गया। डीएनए जैसे गया, हमें फॉरन पता चल गया, डीएनए मतलब
जैसे ही हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात डीएनए फॉरन इंसर्ट कर जाएगा, डीएनए जैसे इंसर्ट करेगा वैसे क्या करेंगे फॉरन उस पोर को बंद करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगेन प्रोटोनाइज फॉरन उसको आइस के ऊपर बैठा देंगे और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हीट शॉक। फॉरन उसको आइस के ऊपर में डालेंगे, जैसे आइस के ऊपर में डालेंगे वो पोर्स क्लोज हो जाएंगे और फिर दोबारा से हमारा मतलब पोर्स जब क्लोज हो जाएंगे इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पहुंच चुका है, होस्ट के अंदर चला गया, मतलब होस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया। ये तो तरीका है कि आप अपने होस्ट के अंदर में क्लोनिंग वेक्टर को डाल दिया आपने, मतलब जो क्लोनिंग वेक्टर था हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जा रहा था आपने डाल दिया, एक केमिकल मेथड के जरिए डाला। लेकिन बिना क्लोनिंग वेक्टर के कैसे होस्ट के अंदर में डीएनए को इंसर्ट करेंगे या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे, या फिर बिना केमिकल मेथड के कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, तो उसका तरीका है, उसके दो तरीके बताए जाते हैं, दो तीन तरीके हैं इसके और भी हैं कुछ, लेकिन जो सिलेबस के अंदर में जो है वो ही दो तीन ही हैं। जैसे कि सबसे पहले है जीन गन, जिसको बायोलिस्टिक के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं जीन गन या फिर बायोलिस्टिक, इसको एक बार लिख लीजिएगा। जीन गन या फिर बायोलिस्टिक, ये जीन गन या बायोलिस्टिक जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे बहुत ही हाई वेलोसिटी से इसके बुलेट्स निकलते हैं, तो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं बुलेट्स या पैलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन पैलेट्स को ये पैलेट्स जो बने होते हैं ये गोल्ड या टंगस्टन के बने होते हैं, गोल्ड या फिर टंगस्टन का क्या बने होंगे, टंगस्टन के बने होंगे, दोनों का इसलिए बना होता है कि दोनों क्या है इनर्ट एलिमेंट्स हैं, इनर्ट मेटल्स हैं, और ये इनर्ट मेटल्स के बने होते हैं गोल्ड या टंगस्टन के बने होते हैं जो कि इनर्ट मेटल्स कहलाते हैं, और ये इनर्ट जो मेटल्स हैं जिनसे ये पैलेट्स बने हुए हैं इसी पैलेट्स के ऊपर में जीन ऑफ इंटरेस्ट की कोटिंग करते हैं, और कोटिंग करने के बाद फॉरन इंसर्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर में जो प्लांट सेल हमारा। तो मान लिया जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमारे होस्ट है, तो उसके अंदर फॉरन उसकी बॉम्बार्डिंग करा देते हैं इन पैलेट्स की अपॉन द होस्ट, और द पैलेट्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन एंड दीज पैलेट्स आर कोटेड विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली बात है इसके माध्यम से हम क्या करेंगे अपने प्लांट सेल में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट। अगर एनिमल सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, रिट्रोवायरसेस का। रिट्रोवायरसेस की मदद से एनिमल सेल के अंदर में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रिट्रोवायरसेस का इस्तेमाल, तो मैंने पहले बताया था क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो रिट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे, लेकिन अगर बिना वेक्टर के मदद से अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो आप माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आप माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से फॉरन जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए अपने एनिमल सेल के अंदर, या फिर डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल करेंगे। डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए एनिमल सेल्स के लिए, और उसके उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल सेल में डाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। इसमें कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि आप मेरे मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पे मेरा ग्रुप है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप का नाम है डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस, और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के नाम से। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे आप मुझे इस ग्रुप में अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ों को देखा, और ऑब्वियस सी बात है जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ और भी हमारे जो कंटेंट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के उनको देखिए, एंड यू शुड मस्ट फील द डिफरेंस, और मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर डिफरेंस देखेंगे, यू विल मस्ट बी, मतलब क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल आप बिल्कुल इस चीज़ को महसूस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं हमारे कंटेंट के अंदर में, हमने बायोटेक्नोलॉजी को कितने खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया है। तो आप ऑब्वियस सी बात है जो नए लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ज़रूर देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।